जिले में 18 अप्रैल को मिले 147 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 112 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, 1140 एक्टिव मरीजों का जिले में चल रहा इलाज। कोरोना संक्रमण महामारी के बीच जिले के भीतर मनरेगा से मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन पहले 50,000 मजदूरों ने जिले के विभिन्न पंचायतों में काम किया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा मैसेज निकला सही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से मृतकों को मिलेगा 2,00,000 तक का लाभ, बैंक खाते से हो 12 रुपये या 330 रुपये की राशि कटना जरूरी। तिरोड़ी तहसील के फुलपट्टा में 28 वर्षीय युवक ने स्वयं के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिले के सरकारी दफ्तरों तक पहुंचा कोरोना का प्रभाव, लगभग आधा दर्जन कर्मचारी की हुई कोविड से मौत। लोक निर्माण विभाग में 3 कर्मचारी, नगर पालिका में 2 कर्मचारी सहित शिक्षिका की हुई मौत। दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को रहना होगा कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन, ग्रामीण स्तर पर बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया आदेश में असमंजस, 13 जून तक दिया गया ग्रीष्मकालीन अवकाश, बोर्ड परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा की नई तारीख घोषित। चैत्र नवरात्र के अष्टमी नवमी के अवसर पर मंदिरों में होंगे धार्मिक अनुष्ठान, लोगों को शामिल होने की नहीं अनुमति। सोमवार को भी जिले में जारी रहा कोरोना का कहर, जिले भर में 25 लोगों की हुई मौत। कोरोना महामारी में निजी चिकित्सकों के द्वारा मदद नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने जाहिर की चिंता, प्राइवेट चिकित्सकों को दी चेतावनी। IMA के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिता पाराशर को लिखा पत्र, MBBS चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने के लिए दिए निर्देश। सोलह मई को होने वाली जवाहर नवोदय परीक्षा हुई रद्द, 6वीं क्लास में प्रवेश के लिए आयोजित होनी थी परीक्षा। महावीर इंटरनेशनल की पहल, शहर के गायकुरी स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र को बनाया गया कोविड केयर सेंटर, सामान्य लक्षण दिखने पर किया जाएगा आइसोलेट। कोविड मरीजों के इलाज के लिए सिंधी समाज ने भी की पहल, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने समाज के प्रतिनिधियों से की चर्चा। वारासुनी में कोविड 19 मरीजों की सुविधा के लिए 5 ऑक्सीजन बेड प्रारंभ हुए, विधायक प्रदीप जायसवाल ने 1,000 PPE किट भी दी। खाना बनाते समय हुआ हादसा, परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीजा टोला में 60 वर्ष की महिला की आग में झुलसने के दौरान इलाज के दौरान हुई मौत।